नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करो। अभी एनटीटी की भर्ती आई थी कौशल के अंदर, जो सवाल मैंने भी काफ़ी सवाल खड़े किए थे। आज मैंने एक दो यूट्यूब पर देखा, वीडियो डली हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, दिखाया है भाई कि यहाँ पर देखिए भर्ती में एक बार भर्ती इस तरह से आई, 31 तारीख लास्ट डेट थी, उसके बाद भर्ती में बदलाव किया गया, कभी क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया, तो एक कौशल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि भाई 31 दिसंबर 2023 से पहले का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एक JMI जो शब्द लिखा है, IED UP शब्द लिखा है, इन पर सवाल उठाए गए हैं। बाकी इग्नो NIS का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि चीज़ है तो है। तो सवाल यही आए बार बार, क्वालिफिकेशन बदली गई, कंपनी बदली गई है, तो क्या कौशल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता? तो बिल्कुल यही कहा है भाई, जो लोग यही चाहते हैं कि कौशल चीज़ को वेरीफाई किया जाए। और जो भर्ती पहले 11 जिलों में 12 जिलों में दिखाई गई, अब इसका सीन क्या रहेगा, यानी कि द एंड क्या रहेगा इसका, यानी कि अंतिम निर्णय इसका क्या रहेगा? भर्ती कब तक हो पाएगी? भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी? क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? ऐसा तो कुछ है नहीं है, भर्ती निकाल ली है तो प्राइवेट कंपनी ने आपसे पैसा नहीं लिया भाई, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। ठीक है, पैसा नहीं लिया, बिल्कुल फ्री में आपके फार्म भरवाए गए, लेकिन जहाँ पर आपने फार्म भरवाया वहाँ पर तो आपकी फ़ीस लगी है, किसी शॉप पे, कैफे पे, जहाँ भी आपने फार्म भरवाया है। तो सीन यही रहता है NTT का, भैया कब तक निर्णय होगा, कब आपके पास मेल आएगा, जॉब ऑफर लेटर आएगा, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि भाई वही बात है, 31 दिसंबर तक तो भूल जाओ सब कुछ। आगे जब अप्रैल में सेशन होगा उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी वो बाद की बातें हैं। अभी फिलहाल सवाल यही उठ खड़े हैं कि भर्ती को लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन क्या निर्णय रहेगा इसका, किसी को ना ही मुझे पता है ना ही आप लोगों को पता है। मुझे लगता है नहीं कि भर्ती करने वालों भी इसका कुछ पता होगा कि क्या इसका निर्णय लिया, क्योंकि एक बार बिहार के अंदर RISPL के अंदर डाटा एंड ऑपरेटर की भर्ती आई थी, मैंने खूब वीडियो बनाया था, वो भी ऐसे ही था। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया, फार्म भरे, तो एग्ज़ाम हुए सब कुछ, लास्ट में आके उसको फ्रॉड घोषित कर दिया, वो भाग गया बंदा भाई। हालांकि मैंने उससे बात की काफ़ी, लेकिन बात नहीं बनी। तो भी देखते हैं क्या रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, आप अपनी क्या आपकी क्या राय आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।